पिछले 35 वर्षों से वरिष्ठ जनों के लिए सेवारत एवं समर्पित संस्था हेल्पेज इंडिया एवं लखनऊ बीमा संस्थान के राष्ट्रीय सेमिनार में साइबर थ्रेट एंड न्यू चैलेंजेस फॉर इंश्योरेंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर विशेष वक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई के ED पंकज गोयल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता की महाप्रबंधक कस्तूरी सेन, हेल्पेज इंडिया की समन्वयक रश्मि मिश्रा एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विभूति राय उपस्थित रहे। साइबर सुरक्षा से संबंधित संगोष्ठी की शुरुआत पंडित नारायण पाठक की सरस्वती वंदना से हुई। लखनऊ बीमा संस्थान के अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा आए हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। आज का जो सेमिनार था वो साइबर क्राइम से बचने के लिए किया गया था कि बीमा कंपनियों की क्या जिम्मेदारी होती है कि जो आम आदमी है वो साइबर क्राइम से बच सके। अभी तक जितने भी वक्ता लोग हैं उनके द्वारा ये हिदायत दी गई कि बीमा कंपनियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कस्टमर के जो पर्सनल डेटा हैं उनको शेयर न करें, उनके पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की बनती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से बीमा कंपनियों से जुड़ा हुआ है, हर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है। Good morning. I am Kasturi Sengupta. I am the general manager. I have come from Calcutta. So I am the general manager from National Insurance Company Limited, which is one of the public sector companies. We are a part of Government of India, central government. आप इंसान को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बता सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे को। तो साइबर क्राइम आपका आज का हमारा ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट हो गया है, क्योंकि आज मोबाइल के बिना, इंटरनेट के बिना हमारा जीवन शून्य ही लगता है। तो जब ही आप पहले गुड मॉर्निंग भी करते हो व्हाट्सएप में जाके, तभी आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हो। तो इसलिए आज का ये सेशन जो है वो बहुत मायने रखता है, इसके लिए कि आपको जानना है कि क्या क्या तरीका है जिसके आप शिकार बन सकते हो। सिर्फ आपका पैसा जाएगा अकाउंट से वो नहीं, आपका रेपुटेशन भी ख़त्म हो सकता है ये फ्रॉड के हिसाब से। आप बहुत सारा प्रॉब्लम में पड़ सकती हो, होटल में बोलो, एयरलाइंस में बोलो, हॉस्पिटल में बोलो, जहाँ भी है आपका प्राइवेट आइडेंटिटी अगर चुरा लिया गया है तो आप बहुत मुसीबत में पड़ सकती हो। तो इसके बचने का जो उपाय है वो आज ये सेमिनार में बताया जाएगा कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक, एंड इफ़ यू हैव बीन सम परपेट्रेटर हैज़ टेकन अवे द आइडेंटिटी, और इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ सच अ साइबर क्राइम, कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकती हो, क्या क्या रिकोर्सेज हैं, वो भी ये सेमिनार में आज बताया जाएगा। तो ये आज का दिन में बैठ के ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनार दैट इज़ हैपनिंग, एंड स्पेशली वी have a special target towards the senior citizen. Helpage India bhi aaye hai yahan pe. So senior citizens, children and the women are the people who are main, who have the main threat, and they are the main vulnerable people for the cyber crime. So that also will be discussed ki isse bachne ka tarika aur upay kya kya hai. Dhanyawad. Thank you. आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम अमित कपूर है, मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ, और जो टॉपिक है ये बहुत ही रिलेवेंट है, आज के समय के अनुरूप है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये पूरा विषय है। साइबर सिक्योरिटी में जो मुख्य रूप से चीज़ें हैं वो ये है कि हमारा डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा, हमारा नाम, पता या हमारे पास कितना पैसा है, ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग सब जानते हैं। इत्तेफाक से मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा जो विभाग है वो ये कर सकता है कि किसी के साथ अगर कोई आर्थिक क्षति हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है, क्षति हो क्यों, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास आज सौभाग्य से लोग ऐसे आए हैं जिन्हें इस विषय के बहुत अच्छा ज्ञान है, और जितने भी लोग इन चीज़ों को सुनेंगे उन सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो मैं, आप लोग ने हम लोगों को कवर किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेरा नाम संजय सिंह है, मैं यहाँ सीनियर डिवीजन मैनेजर हूँ LIC ऑफ इंडिया लखनऊ डिवीजन में। आज का एक सेमिनार इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हो रहा है, नेशनल सेमिनार है जो कि लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्योंकि हम एज इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी बड़ा कस्टमर का डाटा डील करते हैं, हैंडल करते हैं, तो अब चूँकि पूरी कंपनी का डिजिटाइजेशन है, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसके साथ ही हम एक्सपोज हैं जितने भी थ्रेट्स हैं
क्योंकि बाहर से बहुत सारे हैकर्स हैं जो कि लगातार जो डाटा को थ्रेट करना चाहते हैं या डाटा को जो है कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं यूज करें। तो एज इंश्योरेंस कंपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कस्टमर का सेंसिटिव डाटा है कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इसमें नए नए डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। तो उसी के बारे में जो हमारे जो है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है कि लोग अपने विचार रखेंगे और आगे आने वाले टाइम पर हमको एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंपनी कैसे रेडी होना है फ्यूचर चैलेंजेस के लिए, इसके बारे में जो यहाँ पर लोग अपने विचार रख रहे हैं और जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो होपफुली जिससे कि हम अपने कस्टमर को बेटर सर्व कर पाए फ्यूचर के लिए। मैं प्रोफेसर विभूति राय हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का इस समय सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ और कॉर्पोरेट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मैं रिसर्च भी करता हूँ और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट हमेशा याद रखता है इस तरह के कार्यक्रम बुलाने को। नॉर्थ इंडिया का आई एम द फर्स्ट कंप्यूटर यूज़र, 1989 से हम लोग यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में और एल्सवेयर ऑल्सो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने डेटा के बारे में, कंपनीज़ को अपने डेटा की सिक्योरिटी के बारे में, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को एक बहुत सिक्योर सिस्टम दे सकें, ये बहुत आवश्यक है। और उसके लिए इस प्रकार की कार्यशाला होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं लखनऊ के चैप्टर जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने पहली बार लखनऊ में इस तरह के एक कार्यशाला को आयोजित किया। मैं संजय कुमार, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लखनऊ में हूँ। और चूंकि मैं जनरल इंश्योरेंस में हूँ तो इसमें डाटा का तो बहुत ज़्यादा उपयोग है, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उसमें हर एक का इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और KYC हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो KYC में सबका पर्सनल डाटा भी लेना पड़ता है। इस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साइबर सिक्योरिटी के लिए कई एक्ट्स ला रही है, हम लोग भी ला रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी एक्ट आता है उसके काट सोचने वाले काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए जहाँ तक अपना पर्सनल डाटा है, कोई भी अगर कॉल्स आए, क्योंकि आज ही मेरे मोबाइल पे चूँकि मैं पूरे स्टेट का हेड हूँ तो कई कॉल्स आते हैं, कई बार क्या होता है कि फेक कॉल्स भी आते हैं। तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि हम सतर्क रहें, लेकिन अगर इस जाल में फंस जाएँ तो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं साइबर सिक्योरिटी में जानकारी और उसके लिए जो अवेयरनेस है सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, और इस उपलक्ष्य में जो इंश्योरेंस यहाँ जो इंस्टीट्यूट ने अभी एक सभा का आयोजन किया है और इसमें जो टॉक्स हो रहे हैं इस पर, ये बहुत सराहनीय कदम है और इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन की तरफ से आज एक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें साइबर क्राइम से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें समझाई गई। आपकी NGO हेल्पेज इंडिया की तरफ से भी इस कह सकते हैं कि डिजिटल सेफ्टी को लेकर एक ट्रेनिंग सेशन दिया गया, खासकर सीनियर सिटीजन लोग के लिए। क्या कहेंगे मैम इस ट्रेनिंग सेशन को? हेल्पेज इंडिया क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए ही काम करने वाली एकमात्र संस्था है जो राष्ट्रीय रूप से सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित है। और आप देख रहे होंगे कि डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एल्डर्स, सीनियर्स को हम लोग इसलिए अप्रोच कर रहे हैं, सीनियर्स के पास जाके उनको ये ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन के साथ हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं ऐसे कि उनका पैसा निकल गया या उन्होंने कोई गलत लिंक क्लिक कर दिया, तो ऐसे उनसे गलत लिंक करने से उनके साथ फ्रॉड हो गया। आजकल एक फ्रॉड चल रहा है जो लड़कियों का गिरोह है जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है, पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं, पैसा है, टाइम है, तो उस वजह से वो सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं। तो हम लोग उनको जाकर यही छोटी छोटी बातें समझाते हैं कि ये चीज़ें आप ना करें और वो बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया है कि हाँ ये बहुत अच्छी पहल है और इसको आगे भी करना चाहिए। हम अभी तक यूपी में लगभग 82 सेशंस कर चुके हैं। सीनियर सिटीजन के पास जाके हम उनको समझाते हैं छोटे छोटे ग्रुप में जाके कि सर व्हाट्सएप अपना मोबाइल लॉक रखें और अपना पासवर्ड कैसे लगाएं, सुरक्षित पासवर्ड कैसे लगाएं, या ओला उबर में जब जा रहे हैं तो क्या सावधानियों को रखें, हाँ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए मतलब क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मोबाइल अगर अननोन कॉल्स आती हैं तो आप कैसे उठाएं, तो वो डेमो करके बताते हैं उनको और
कोशिश हमारी ये है कि सीनियर सिटीजन्स को हम बचा पाएँ, उनको सुरक्षित रख पाएँ और उनका पैसा प्रतिष्ठा दोनों बचा पाएँ और वो ससम्मान अपनी ज़िंदगी जी सके, ये हमारी एक कोशिश है। नमस्कार, मैं देवेंद्र मिश्रा लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हमें ये सेमिनार करने का एक अवसर मिला है जिससे कि जो इस समय साइबर समस्याएं आ रही हैं हर आदमी के उसमें हर जीवन में, जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो रहे हैं और उसका लोग दुरुपयोग करने लगे हैं, तो वो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हेल्प इंडिया ने हमारी मदद करी है, उनकी वजह से हमने ये सेमिनार आयोजित किया है। इसके लिए हम अपने सारे अधिकारियों का, सारे साथियों का, हेल्प इंडिया का और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई के आभारी हैं और इस आयोजन में लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जो विभिन्न बीमा कंपनियों से हैं और इवन की जनरल लोग भी हैं। आज का कार्यक्रम है और इस पे हम विशेष जानकारी लोगों को शेयर कर रहे हैं, इसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं और नवयुवक भी हैं। चैनल देशपद्म न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।